हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज का जो वीडियो है काफी ज्यादा दुखद वीडियो है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ जो कोलकाता में अभी 9 अगस्त को जो रेप केस हुआ है उसी के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। और आज की इस वीडियो में ये भी बात करूंगा कि जो इसके रूट कॉज है रेप केसेस जो कि इंडिया में बढ़ते जा रहे हैं उसके जो मेन रूट कॉजेज है उसके बारे में भी बात करने वाला हूँ। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो रेप केस हुआ कोलकाता में 9 अगस्त के दिन सुबह के टाइम में हुआ है और आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ कि जो रूट कॉजेज हैं। सबसे पहला जो रूट कॉज है वो है माइंड सेट, यानी कि आज के टाइम पे जितने भी सोशल मीडिया के ऊपर न्यूडिटी और जितने भी अब्यूजिव कंटेंट दिखा रहे हैं उसकी वजह से हमारा माइंड सेट जो वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है। और इंडिया में आज के टाइम पे काफी ज्यादा रेप केसेस हो रहे हैं, बहुत ही कम लोग इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। और मैं तो गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहता हूँ कि आप जितने भी अब्यूजिव और न्यूडिटी कंटेंट जितने भी दिखाए जा रहे हैं उसकी वजह से हमारा यूथ का जो माइंडसेट डायरेक्शन है वो काफ़ी गलत दिशा में जा रहा है। और आज के टाइम पे जितने भी रेप केसेस हो रहे हैं, जैसे लास्ट टाइम मैं देख रहा था कल न्यूज़ में उत्तराखंड में एक लेडीज डॉक्टर जा रही थी घर की तरफ तो उसके साथ भी ये दुर्घटना हो चुकी है, उसकी भी हत्या शाम के टाइम कर दी हुई है। तो सबसे पहली जो चीज़ मेन रूट कॉज है वो है माइंडसेट। जितना हमारा माइंडसेट सही होगा, जितना सोशल मीडिया के ऊपर हम अच्छी चीज़ें देखेंगे उसी हिसाब से हमारा माइंडसेट अच्छी डायरेक्शन में जाएगा। सेकंड रूट कॉज की मैं बात करना चाहता हूँ कि जितने भी रेपिस्ट है आज के टाइम पे इंडिया में जितने भी रेप वगैरह हो रहे हैं तो जितने भी आज के टाइम पे रेपिस्ट है उनको फांसी की सजा देनी चाहिए। प्लस इनका जो मेन रूट कॉज है वो है पॉलिटिकल सपोर्ट। आज के टाइम पे जितने भी ये दंगे वगैरह होते हैं, अभी 14 अगस्त के दिन शाम के टाइम काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर्स ने और काफ़ी ज़्यादा कोलकाता के जितने भी लोग थे और पूरे इंडिया में आज भी PGI में डॉक्टर्स ने एक प्रोटेस्ट करा हुआ है, पूरा दिन वो प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। तो मेन जो रूट कॉज है कि यार इनको जो पॉलिटिकल सपोर्ट मिलता है वो कैंसिल होना चाहिए और इनको पॉलिटिकल सपोर्ट के लिए एड्रेस नहीं करना चाहिए। तो मेन बात यही है कि यार इनको जितना ज़्यादा हम बढ़ावा देंगे रेप को, जितना ज़्यादा इनको पॉलिटिकल तरफ से सपोर्ट करेंगे तो उतना ज़्यादा रेपिस्ट हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा होंगे। और लास्ट में मैं बात करना चाहता हूँ कि जितने भी इंडिया के अंदर रेप वगैरह हो रहे हैं तो सबसे जो मेन कॉज है कि जितने रेप होते हैं तो सबसे पहले हम महिला को ही दोषी करार करते हैं, बल्कि महिला को प्रोटेक्ट करने की बजाय हमें लड़कों को प्रोटेक्ट सबसे ज़्यादा करना चाहिए। अभी कोलकाता में जो रेप केस हुआ है हॉस्पिटल में तो सबसे ज़्यादा गलती जो है वो लड़कों की है जिन्होंने शराब पीकर ये गंदी हरकत करी हुई है। और सबसे ज़्यादा दर्दनाक हादसा ये, इसलिए मैं इसको मानता हूँ क्योंकि यार जो शराब पी के इतनी ज़्यादा उसको टॉर्चर करा हुआ है तो उसके प्रति हमें अवेयर रहना चाहिए, बल्कि हमें लड़कियों को नहीं हमें खुद को प्रोटेक्ट करना चाहिए। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अगर ये जो रेप केस है किस वजह से हो रहे हैं। आप अपना कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगे, मैंने तो अपना मैसेज दे दिया कि इस वीडियो को आप जितना शेयर करेंगे उतना ज़्यादा लोगों के पास जाएगी और लोग इसके प्रति अवेयर रहेंगे। बिकॉज आज के टाइम पे इंडिया में जो लेडीज़ है वो आज भी सुरक्षित नहीं है, तो इसके लिए गवर्नमेंट को भी कुछ एक्शंस लेने चाहिए इन रेपिस्ट के ऊपर। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और साथ में प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा कि इस जो ये जो घटना हुई है इसके प्रति आपकी क्या राय है। और अगर चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं और भी ऐसे इंटरेस्टिंग एंड अल्टीमेट वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।